सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो गाइज यार, फ्री फायर में नया इवेंट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका नाम है वंडरलैंड। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, जैसे कुछ कॉस्ट्यूम मिलने वाले हैं, लेवल 6 का कार्ड मिलने वाला है, हाया तो कैरेक्टर मिलने वाला है, मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सब कुछ आपको डिटेल में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ऐसी और भी सारी वीडियोस देखने के लिए आने वाले इवेंट्स के बारे में नेशनल गेमर को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि आने वाले सारे इवेंट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप एक भी इवेंट मिस ना कर पाओ। ठीक है, सो गाइस चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीजेंडरी गन स्किन वाले इवेंट के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे 19 तारीख को आपको गेम को लॉगिन करना है, 19 अप्रैल को। और यहाँ पे आपको 15 गन की स्किन मिलेगी एक दिन के लिए, यानी कि 24 घंटे के लिए। तो यहाँ पे 15 गन की स्किन है, सारी की सारी लीजेंडरी है, तो आप एक दिन के लिए इनका यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको 19 तारीख को लॉगिन करना है और ये सारी की सारी आपको मिल जाएगी, तो एक दिन के लिए आप इनका यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये इतना खास नहीं लगा क्योंकि परमानेंट नहीं मिल रही है। बाकी यहाँ पर बात कर रहे हैं दूसरे इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर आपको लेवल 6 का कार्ड मिल रहा है बिल्कुल फ्री में, जिसका यूज़ करके आप अपने कैरेक्टर को लेवल 6 तक अपग्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर आप ले सकते हो। यहाँ पे लोरा, A124, राफेल, सानी और हयातो जैसे बड़े बड़े कैरेक्टर है जो कि डायमंड में मिलते हैं, तो ये भी आप ले सकते हो इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर को। तो सिंपली आपको 19 तारीख को गेम को ओपन करना है और इनमें से एक को आप इजीली क्लेम कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे वेपन रॉयल वाउचर है, तो अगर आपके पास सारे कैरेक्टर है तो आप वेपन रॉयल वाउचर और लेवल 6 का कार्ड भी ले सकते हो। और गाइस आप इनमें से कौन सा कैरेक्टर लेने वाले हो कमेंट करके ज़रूर से बताना। मेरे पास तो सब है, तो मैं यहाँ पे वेपन रॉयल वाउचर ले लूँगा। बाकी अगर आपके पास सानी या हया तो नहीं है, तो सानी जो है बेस्ट कैरेक्टर है, उसको भी ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगला इवेंट है, आपको 19 तारीख को सिंपली एक मैच खेलना है। और जैसे आप एक मैच खेलोगे, यहाँ पे आपको 100 इलाइट केली का फ्रेगमेंट मिल जाएगा और साथ में एक स्टोन मिल जाएगा, जिसका यूज़ करके आप इलाइट केली को अपग्रेड कर सकते हो। ये पीले कलर का स्टोन है, इसका नाम है अवेकिंग सार्ड। और गाइस यहाँ पे आपको UMP का एक मस्त वाला स्किन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है और ये परमानेंट मिलने वाला है, तो बहुत ही खास स्किन है, ज़रूर से ले लेना। ये वाला स्किन जो है बहुत ही खास है, मैंने इसको निकालने के लिए 500 डायमंड यूज़ किए थे और इसमें डबल रेट ऑफ फायर प्लस है। तो सिंपली आपको एक रैंक मैच भूया करना है 19 तारीख के दिन और आपको ये वाला UMP का स्किन मिल जाएगा, तो ज़रूर से क्लेम कर लेना, कोई भी इसको लेना भूल मत जाना। सो गाइस अब बात कर रहे हैं इस वाले इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर आपको सिंपली ब्लू एक टोकन है उसको कलेक्ट करना है और रेड एक टोकन है उसको भी कलेक्ट करना है। और इन दोनों के एक्सचेंज में यहाँ पे आप एक बंडल ले सकते हो बिल्कुल फ्री में, और यहाँ पे आपको स्केटबोर्ड मिलेगा और भी कुछ आइटम है जो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे ब्लू एग वाला जो टोकन है वो आपको 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक मिलेगा, और यहाँ पे जो रेड एग वाला टोकन है वो आपको 19 तारीख और 20 तारीख के दिन मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको इनको क्लेम करना है, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस जो ब्लू वाला टोकन है वो आपको गेम में इधर उधर पड़ा हुआ मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे पड़ा हुआ है इस तरीके से कहीं पे भी पड़ा हुआ मिल जाएगा। तो ये सिर्फ 12 तारीख से 20 तारीख के बीच में मिलेगा, तो जल्दी से जाकर कंप्लीट कर लेना इसको। और गाइस जो रेड कलर का टोकन है वो आपको मिलेगा इस वाली एयरशिप के अंदर, तो यहाँ से आपको एक डब्बा गिरता हुआ दिखेगा एयरशिप में से जो गिरता है, और इसके अंदर हमें कुछ आइटम मिलता है। लेकिन 19 और 20 तारीख के दिन आपको यहाँ पर आइटम नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा रेड एग वाला टोकन। तो यहाँ पे ये डब्बा गिर चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे रेड एग है, तो यहाँ से आप इजीली रेड एग को भी कलेक्ट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे और भी कुछ नए इवेंट आने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट मैच रिवॉर्ड। मैच रिवॉर्ड का मतलब ये होता है जब मैच खेलते हो तो मैच खेलने के बाद आपको कुछ भी रिवॉर्ड मिलता है, तो उसका नाम होता है मैच रिवॉर्ड। तो यहाँ पे मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट आपको मिलेगा मैच रिवॉर्ड में 19 तारीख के दिन, लेकिन यहाँ पे कितना मिलेगा वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों पहले हमें 50 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट बिल्कुल फ्री में मिले थे, तो हो सकता है कि इस बार भी आपको 50 फ्रेगमेंट मिल जाएंगे और पिछले 50 और ये वाले 50 मिला के आप यहाँ पे एक मैजिक क्यूब बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। बाकी यहाँ पे कितना मिलेगा वो अभी तक कन्फर्म नहीं है। 19 तारीख के दिन आप मैच खेलोगे तो उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे 19 तारीख के दिन एक नया मोड भी आने वाला है जिसका नाम है किल कन्फर्म, तो ये वाला मोड आपको देखने को मिल जाएगा 19 तारीख को, और ये शायद 2-3 दिन के लिए रहेगा, कितने दिन के लिए रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है 2 या 3 दिन के लिए रहेगा, तो इसको भी खेल लेना और कमेंट में जरूर से बताना ये आपको कैसा लगा। और गाइस यहाँ पे एक नया इवेंट भी आने वाला है जिसका नाम है बिंगो, तो ये यहाँ पे 16 तारीख से 26 तारीख तक चलने वाला है, लेकिन अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है,
तो यहाँ पे बेसिकली कुछ छोटा मोटा मिशन होगा जिसको कम्प्लीट करना होगा। बदले में यहाँ पे आपको एक लूट बॉक्स मिलेगा और यहाँ पे एक बैकपैक का स्किन मिलेगा। तो आने वाले किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इसको भी कैसे कम्प्लीट करना है, अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ये स्टार्ट होगा तो आने वाले किसी और वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। सो गाइस बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देम टेक केयर, गुड बाय।